हेलो गाइस, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं एक नए तरह का एरोप्लेन बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम A4 साइज पेपर को जो है स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो बिना पटरी की सहायता से आप इस तरीके से पेपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो बचा हुआ पेपर था उसको दूसरी तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड हो गया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ये वाला पेपर है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करना है। अगर आपके पास चाकू है यानी कि नाइफ़ है तो उससे काट सकते हैं या ब्लेड की सहायता से काट सकते हैं। हमने फ़िलहाल नॉर्मली ऐसे ही काट दिया है। तो ये कंप्लीट जो है स्क्वायर बन गया है। पेपर को पहले स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है। देखते जाइएगा किस तरीके से हम फोल्डिंग इसमें ला रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से पेपर को फोल्ड करेंगे, बहुत ही अच्छा जो है पेपर एरोप्लेन बनकर तैयार होगा। ये काफ़ी डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा और अंत तक देखिएगा, आप लोग सीख पाएंगे किस तरीके से जो है अलग अलग तरह के। हमारा टारगेट है कि 1 से 26 प्रकार के आप लोगों को पेपर से तरह तरह के एरोप्लेन बनाना सिखा रहे हैं। अभी हमारी यह तीसरी वीडियो है, इसके बाद अभी और आप लोगों को 23 वीडियोस मिलने वाली हैं। पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से पुनः फोल्ड करना है। आप फोल्डिंग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पेपर को फोल्ड करना है, अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि हमारा पेपर जो है अच्छी तरह से फोल्ड हो सके, ठीक है। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा जो है लगभग तैयार होने को है बस। और इसको जो है पीछे की साइड में जो है इसे पलट कर अच्छी तरह से प्रेस करना है, फिर से दबाना है। अब इसमें 2 फोल्डिंग और देंगे ताकि हमारा जो है एरोप्लेन बनकर तैयार हो जाए और अच्छी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से पुनः फोल्ड करना है। पेपर काफ़ी मोटा हो जाता है, यहाँ पर ताकत लग जाती है और बराबर इनके जो दोनों पंख बनेंगे जो हैं बराबर आप लोगों को प्रेस करना है। इस तरीके ऐसे फोल्ड कर देना है, इस तरीके से जो फोल्ड हो जाएंगे देख सकते हैं आगे का भाग जो है काफ़ी नुकीला बन जाता है। और इसी तरह से ये जो है डिस्टेंस जो है काफ़ी डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, जितनी ताकत लगाएंगे उतनी दूर ये जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप ताकत कितनी लगा रहे हैं इस पर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रॉकेट के जैसा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।